हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये रहमतों का महीना है तो खूब इबादत कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। रमज़ान में सेहरी के लिए आज मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट से बनती है और बहुत ही एनर्जी वाली है। इसे बोलते हैं निशास्ता और कुछ लोग इसे तुर्री भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश, नारियल और थोड़े से मखाना। ये सब लगभग 20-20 ग्राम होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। नारियल को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके यूज़ करेंगे जिससे अच्छे से ग्राइंड हो सके। पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स को वॉश कर लेंगे अच्छे से। वॉश करके इसे हम एक घंटे के लिए सोक कर देंगे। ये मखाना मैंने अलग से भिगाया है, आप चाहें तो साथ में ही भिगा सकते हैं। एक घंटा हो चुका है तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो बादाम और पिस्ते का छिलका उतार सकते हैं। हमें इसके लिए 3 से 4 चम्मच देसी घी यूज़ करना है। घी गर्म होने पर हम इसमें 2 लौंग डालेंगे। लौंग फूल जाए तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। पाँच मिनट स्लो फ्लेम पे पकने के बाद हम इसमें शक्कर भी ऐड कर देंगे। मैं 6 से 7 टेबल स्पून इसमें शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, बीच बीच में चलाते हुए। दस मिनट हो गए हैं पकाते हुए, अब घी हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हमें लगभग 2 कप दूध ऐड करना है। अगर हम पका हुआ मलाई वाला दूध ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अगर ये आपको पतला चाहिए तो आप दूध और ज़्यादा ऐड कर दीजिए। दूध डालने के बाद हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे। इसे पकाते हुए हमें फ्लेम को लो रखना है वरना ये उबल जाएगा। देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे सेहरी में आप पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। ये रोज़े में आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा। एक बार फिर से फ्रेंड्स, रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो।